मेरा नाम प्रोफेसर विलास दलाल, मल्टी फैकल्टी ऑफ डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर मैं असिस्टेंट लेक्चरर करके यहाँ पर कार्यरत हूँ, और अभी आज यहाँ पर मलखाम के विद्यार्थियों को मलखाम के स्किल के बारे में उनको मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मलखाम के बारे में आपको पहले जानकारी मैं देता हूँ। भारतीय व्यायाम प्रणाली के अंतर्गत मलखाम एक बहुत पुरानी एक्टिविटी है। इसकी शुरुआत जो है ये बहुत पुरानी है। वैसे ईस्वी सन 1200 में मानसोल्लास एक जो ग्रंथ था उसमें इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उस समय के बाद में मलखाम को इतना कुछ वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कोई चांस मिला नहीं। लेकिन दूसरा बाजीराव पेशवा उनके समय पर मलखाम को एक अच्छे दिन वहाँ पर आ गए। मलखाम की जो शुरुआत है वहाँ से अच्छी हो गई। शुरू में मलखाम और कुश्ती, यानी कुश्ती के लिए मलखाम का उपयोग वहाँ पर उस समय पर हुआ था, और मलखाम के कुश्ती के जो पहलवान हैं उनको कुश्ती के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल उनको मलखाम के द्वारा वहाँ पर मिलता था, मलखाम के ऊपर एक्सरसाइज करने से। इसलिए उस समय पर मलखाम की शुरुआत दूसरा बाजीराव पेशवा के समय पर वहाँ पर हुई थी। और बाळंभट्ट दादा देवधर, यह जो व्यक्ति था जो बाजीराव पेशवा के समय पर उनके दरबार में था, तो उस समय पर उन्होंने इस खेल की शुरुआत की है। अब ये जो खेल है, असल भारतीय खेल जिसको बोलते हम, जैसे कबड्डी है, कुश्ती है, उसके बाद में खो खो है, आटे पाटे है, उसी प्रकार से मलखाम ये अपना असल भारतीय मतलब एक एक्टिविटी है, जिससे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बॉडी को मिलती है, जिसके द्वारा उनका फिटनेस अच्छा होता है, और उनका फिटनेस अच्छा होने के कारण वो कोई भी एक्टिविटी में आगे चल के वहाँ पर एक अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है। मलखाम का खिलाड़ी मलखाम में तो अच्छा एक्टिविटी वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस होता ही है, लेकिन अगर वो बाय चांस अगर कोई कुश्ती में जाता है, कोई खो खो में जाता है, कोई कबड्डी में जाता है, तो वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस वहाँ बाकी खिलाड़ियों से अच्छा रहेगा और इनका फिटनेस अच्छा रहता है। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि मलखाम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जो बचपन से मलखाम करता है वो एक्सरसाइज उसको ऐसी मिलती है कि उसका रीढ़ की जो हड्डी है वो हड्डी उसकी बहुत मजबूत बनती है। अब यह जो मलखाम है, मलखाम में अलग अलग प्रकार के स्किल हैं, जैसे कि सलामी है, टेढ़ी है, आड़ा है, उसके बाद में तुम्हारे फिरकी है, और उसके बाद में झाप है, माउंट है, डिसमाउंट है, ये उसमें के अलग अलग प्रकार के स्किल है। लेकिन वो एक एक स्किल के अंदर बहुत सारे सब स्किल भी उसके अंतर्गत दिए हैं। जैसे सलामी है तो सलामी में दो तीन प्रकार की सलामी है, या फिरकी है दो तीन प्रकार की फिरकी है, झाप अलग अलग प्रकार की झाप है, या तो ऐसे अलग अलग जो स्किल है उसमें डेवलप किया है। ऐसे कम से कम 150 स्किल इसके अंदर मलखाम के अंतर्गत है। कम जगहों पर, कम साहित्य में, कम खर्चे में सबसे ज़्यादा शरीर को व्यायाम देने वाली एक्सरसाइज होंगी तो वो है मलखाम। आपको पता है सिर्फ एक पोल के ऊपर और छोटी सी जगह में आप उसको एक्सरसाइज को कर सकते हो, उसको बहुत बड़ा मैदान या बहुत ज़्यादा खर्चा उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पहले उसके स्किल, मलखाम की स्किल। तो पहला जो स्किल है वो है उसमें सलामी। सलामी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की सलामी है। उसमें पहला जो है दो हाथ की सलामी, एक है सिंगल हाथ की सलामी, और एक है बिना हाथ की सलामी। तो अपने को सिर्फ उसमें से पहला एक प्रकार देखना है। तो आज इधर, अब इसमें क्या करना है देखो। पहला जो स्किल है सलामी, सलामी में ये खड़े रहने की पोजीशन है। यहाँ पर ये हाथ पहले यहाँ पर लगाया है, जिस साइड में यानी अपना फेस अगर अपना लेफ्ट साइड में खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड वहाँ पर रहेगा, उसके बाद में राइट हैंड उसके ऊपर यहाँ पर रहेगा। ये पैर की पोजीशन इस प्रकार से होगी, और बाद में ये पैर को पुश करके इसको जंप लेना है। जंप लेने के बाद में पूरा यहाँ पर टर्न करना है। ठीक है, तो अब ये आपको करके बताएगा। ये आया क्या समझ में? फिर से ये दोनों साइड से करना है। ये हो गया पहला स्किल, तू बसुन दे।
आ जाओ। ये पर आगे, ये पर पीछे, इसको ऊपर उठाना है, ठीक है? हाँ चलो उठा। ये अब ये पहला स्किल हो गया सलामी। आ जाइए इधर। अभी जो दूसरा सलामी में दो तीन प्रकार है, अब उसके बाद में उड़ी, उड़ी यानी जंप, अलग अलग प्रकार की जंप है, जिसमें सादी उड़ी है, सिंपल जंप है, उसको उसके बाद में शोल्डर जंप है, उसके बाद में कमानी जंप है, उसके बाद में दो हाथी है, टू हैंड जंप है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जंप उसके अंदर है, उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। मलखाम के अंदर दस रंग है, बगल उड़ी है या बंदर उड़ी है, ये अलग अलग प्रकार के स्किल उसके अंतर्गत आते हैं उड़ी के अंतर्गत। तो अभी अपन देखेंगे उड़ी के प्रकार दो तीन। पहला है सिंपल जंप। सिंपल जंप में यहाँ पे खड़े रहना है, यहाँ से वही पोजिशन है, ये यहाँ से फिर ये पैर ऊपर उठाना है, जैसे हमने घुमाया था पैर को, अब पैर घुमाना नहीं है, पैर को अपने को उसको मलखाम के अंदर रखना है और बाद में हाथ लगा के नीचे उतरना है। तो अभी ये थोड़ा चार काउंट में आपको करके बताएगा। ये बाय नंबर एक, ये खड़े रहने की पोजीशन, ये पोजीशन पहले जैसी, यहाँ से अभी उसको उठाना है दो में। हाँ हाँ कौन था? हाँ बरोबर, चल ये पोजीशन बताया यहाँ पे, है यहाँ पर फिर ये दोनों हाथ सामने लगाना है, यहाँ पे पैर को प्रेस करना है और नीचे उतरना है, समझ में आए? चल आ जाइए तू बस। इधर करतीस पोजिशन, समझे ना? हाँ तो लाओ हाथ वर उठा, पाय सरा कर टाइट, हाथ सीधे, ये पोजिशन छाती ऊपर उठा। हाँ ये लगा दूना हाथ दाब। हाँ चलो, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल जंप। अभी करना है अपने को दूसरा कौन सा अपना शोल्डर जंप। अब शोल्डर जंप में क्या करना है, यहाँ पे ये पोजीशन, ये पोजीशन है अभी, जो गर्दन गर्दन इस साइड में है तो अपना लेफ्ट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड ऊपर आएगा, और यहाँ से आगे से पैर उठाना है, पैर को पकड़ना है, नीचे उतरना है। हाँ ये गर्दन साइड में, ठीक है? हाँ पाए आगे पड़ेगे। हाँ चल उठा, छोड़ दो ना हाथ। हाँ लगाओ हाथ, ये छोड़। ये सेकंड जंप, ये हो गई कौन सी? शोल्डर जंप। अब तीसरी उड़ी है तू इकड़े। कमानी ये थे? हाँ चल कर। कमानी में अभी क्या करना है, थर्ड जंप है ना जो, इसमें अभी यहाँ से हैंड स्टैंड करना है, हैंड स्टैंड करके पैर उसमें डालना है और उतरना है, क्या? चलिए दुनिया समझ। हाँ एक पाय, एक पाय, पायाची आड़ी लाओ बरबर, एक खाली गया हा पाय। अब हाँ 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 चल उठ ऊपर, ये खाली तू इकड़े। हाँ तू बस तीधर, फिर से देखो, फिर से एक बार देखो। इसको क्या बोलते हैं? कमानी। अब है इसके आगे का जो एक स्किल है वो है तुम्हारा दस रंग। दस रंग तू इकड़े। अब दस रंग में क्या करना है, जैसा आपने अभी यहाँ से ये किया था, पैर ऊपर उठाया, मलखाम में डाला, यहाँ से नीचे उतर गए, लेकिन दस रंग में क्या करना है, अभी आपको वापस ऊपर जाना है, ऊपर दो बार फिर से पकड़ के ऊपर चढ़ना है। हाँ यहाँ से ऊपर आए, यहाँ पर फिर से वही ग्रिप लेना है वापस। हाँ अब इधर से इस साइड में, हाँ अब हाथ लगाना है, नीचे उतरना है। आ जा, इसको क्या बोलते हैं? दस रंग। इसके आगे का जो स्किल है वो है बगल, बगल उड़ी, बगल दस रंग, ये दोनों।
ये बढ़िया। अब देखो अभी आपने क्या किया था, अभी तक जो ग्रिप लिया है वो आपने ये लिया था, लेकिन अभी जो ग्रिप लेना है वो आपको ये लेना है, यहाँ से ये ग्रिप लेना है और यहाँ से पीछे से पैर उठाना है और बाद में मलखाम को पकड़ के नीचे उतरना है। क्या देखो ये सिर्फ हो गया सिंपल बगल, लेकिन इसमें सिंपल अभी इसमें डबल दशरंग करना है रे, दो बार बगल करना है अभी। हाँ नखा लिया था, इसको क्या बोलते हैं बगल दशरंग, क्या बोलते हैं बगल दशरंग। तो इसमें जी अभी जो पता है इतना सभी पता है, अभी सभी समझ में आ गया। अब करना है अपने को बंदर उड़ी, क्या वो भी एक उड़ी का प्रकार है, जितने उड़ी के प्रकार है उसके अंतर्गत ये आने वाला है। इकड़े तू बंदर उड़ी गए, बंदर उड़ी में देखो क्या करना आप, यहाँ से ये हाथ को इस प्रकार से पकड़ना आप, ये पोजिशन, फिर ये वहाँ पर ये पैर इधर मलखम पे लगाना है, पैर को घुमाना है, हाथ लगा के नीचे उतरना है। क्या ये पैर, ये देखो पैर का या यहाँ पर ये पोजीशन है पैर की, क्या हाँ चल उठा, ये यहाँ से नीचे उतरना, इसको क्या बोलते हैं बंदर उड़ी। तो ये बड़ी नहीं नहीं खाली कुंते बंदर ना, हाँ हाँ पायलो जी चल उठा ताकत से उठा, पैर पैर मिला बराबर पैर मिला, हाँ उठा कमर छोड़। ये हो गए उड़ी के प्रकार है, अभी हमको थोड़ा सा उसके आगे जाना है। अभी सलामी हो गई, अलग अलग प्रकार की जंप हो गई, अब उसमें तीसरा जो स्किल आता है वो आता है तुम्हारा आसन। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर भी है। या तो सबसे पहले हमको करना है उसमें पर्वतासन, पश्चिमोत्तानासन, और तुम्हारा तीसरा आसन है उसमें स्ट्रैडल या एल होल्ड। ये तीन पहले करना है जो आप आराम से आसानी से आप कर सकते हो। या ये बड़ी गिड़े रतम समझे क्या तू, ये पर्वतासन है। अब इसके ऊपर उस समय चढ़ना है ना, आपने वो दशरंग बताया अभी, वो दशरंग से आपने ऊपर चढ़ना है, या बगल लेते हैं बगल से ऊपर चढ़ सकते हैं, या दशरंग यून चढ़ो। हाँ इकड़े थोड़ी सर इकड़े, हाँ पर्वतासन। अब ये दोनों पैर लगाए वहाँ पर, हाथ ऊपर जाएंगे और यहाँ से पीछे झुकना है। बहुत अच्छे, वहाँ से पश्चिम उत्तानासन, ये पोजीशन, यहाँ पर मलखाम के ऊपर ये हाथ रखना है, खड़े हो जाना है, पश्चिम उत्तानासन, नज़र सामने पैर मिले हुए, फाइव मिनट हुआ जब है। अब यहाँ से थर्ड एयर करना है अपने को एक्सरसाइज, वो है स्ट्रैडल, ऊपर स्ट्रैडल करो ना, उतल पैर उतल, हाँ ये इसको क्या बोलते हैं स्ट्रैडल। या उसके ऊपर आसन किए जाते हैं। अब इसमें झाप प्रकार है, एक झाप जैसे आपको मैंने बताया बहुत बार झाप का प्रकार रहता है, लेकिन अभी तक आपने देखा नहीं है वो। क्या तो ये बड़ी, हाँ बस दोन मिनट है भाई, काय करा था मैं, पहले बजरंग कर, बजरंग कैच कर, नंतर वर्ती तो बैठी कैच कर, अब ये सिंपल बजरंग है ये। क्या यहाँ से हमको करना है बजरंग झाप, बजरंग झाप का जो प्रकार है वो यहाँ पर करना है, ये यानी पैर निकाल लेना वहाँ पर गिर जाना। इसी प्रकार से दूसरा एक प्रकार आता है उसमें झाप में, बैठी झाप ऊपर, आप लोग यहाँ पर जो बैठते हैं, बैठने के बाद में आप क्या करते, नीचे उतर पीछे से उतर जाते, लेकिन उतरने के लिए आगे का तरीका ये है,
आगे नीचे इसके उतर ऐसे नीचे उतरना है वहाँ पर झाप लेके, इसको कंपटीशन में इसको ज़्यादा मार्क्स रहते हैं। ये बहुत सिंपल झाप है, इसके बाकी हैंड स्टैंड करना है, उसके बाद मयूरासन करना है, मयूरासन कैच है, क्या ये बहुत प्रकार के अलग अलग वहाँ पर स्किल उसके अंदर आते हैं। फिर क्या वेट झाला क्या घू अजून थोड़ा झाला। अब लास्ट उसमें लेंगे अपन माउंट और डिसमाउंट। अब माउंट यानी क्या, ऊपर चढ़ना, डिसमाउंट यानी नीचे उतरना। अब ये दो दो प्रकार है उसमें, जैसे माउंट में हम क्या करते हैं चढ़ते समय कोई दस रंग लेके या कोई बगल लेके और अलग अलग प्रकार की जो उड़िया उसके अंदर उसको लेके आप ऊपर चढ़ते, उतरते समय जब कंपटीशन में उतरते समय सीधा सिंपल उतरते नहीं नीचे। एक तो वहाँ पर गेनर करता है कोई, क्या हैंड स्टैंड करता है, हैंड स्टैंड में ये करता है, मयूरासन करता है, मयूरासन में ये करता है, आगे की ओर निकल जंप लेता है, क्या अलग अलग प्रकार की जंप लेके ऊपर से नीचे उतरना है। और सिंपल अपन जैसे उतरते वैसा कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं होता है। तो तू इकड़े ये खांदा उड़ी, ये खांदा उड़ी लेके आप माउंट कर सकते हैं, है खांदा उड़ी जमते ना, ये इकड़े इधर मार इतना जी। ये क्या ये इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो कंपलसरी सीट रहता है या ऑप्शनल सीट रहता है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारे जंप है उससे हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। और लैंडिंग करते समय आप अलग अलग प्रकार से लैंडिंग, जैसे अभी बैठी झाप किया, बैठी झाप में जहाँ लैंडिंग कर सकते हैं, क्या ऊपर उसके ऊपर खड़े रह के आप इनर मार सकते हैं, गेनर मार सकते हैं, क्या फ्रंट बोलते उसको, क्या ये अलग अलग प्रकार से आप लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी सलामी, उसके बाद में उड़ी अलग अलग प्रकार की, उसके बाद में फिरकी, उसके बाद में तुम्हारे झाप, और उसके बाद में माउंट डिसमाउंट, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के स्किल इसके अंतर्गत आते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया है? ठीक, वीडियो जो अभी आपने मलखम का देखा है वो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।